मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार, स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारी बातें हो रही हैं किससे संबंधित, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित, और यहां से बहुत शानदार चर्चाएं हो रही हैं। बात हम करेंगे आज भारतीय परिवहन के बारे में। दोस्तों भारतीय परिवहन के अगर हम बारे में बात करें तो हमारे देश में जितने भी परिवहन के संसाधन होने चाहिए वह समस्त उपलब्ध हैं। याद रखिएगा नहीं दोस्तों, यहाँ पर हमारे यहाँ सड़क परिवहन भी है, वायु परिवहन भी है, और साथ ही साथ जल परिवहन भी उपलब्ध है दोस्तों। लेकिन आंतरिक जल परिवहन थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ों में समस्याएं आती हैं, लेकिन इतना भी समस्याएं नहीं है। समस्या इस वजह से आ जाती है दोस्तों कि जो हमारी उत्तर भारत की नदियाँ हैं जो सदा नीरा हैं, उसमें गाद या फिर डेल्टा बहुत ज़्यादा बन जाता है, जिसके कारण गहराइयाँ क्या हो जाती हैं दोस्तों, कम हो जाती हैं। जिसके कारण क्या है, गहराइयाँ कम हो जाती हैं, इसी के कारण ऐसा होता है, इसी के कारण क्या होता है, ऐसा होता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, यह बहुत ही शानदार बातें हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि भारतीय परिवहन है दोस्तों, आप कहानी जो पार्ट वन है ये बहुत शानदार है, और यहीं पर मैं पूरी बातों को समाप्त करना चाहूँगा। अगर नहीं होगा तो फिर दूसरे पार्ट में देख लिया जाएगा ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं भारतीय परिवहन के बारे में। दोस्तों कहते हैं किसी देश की सतत आर्थिक वृद्धि में बेहतर ढंग से समृद्ध जो पहुंचाता है वह परिवहन ही पहुंचाता है। दोस्तों परिवहन जितना अच्छा रहता है जिस देश का, उतनी अच्छी इकोनॉमिक्स होती है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि इसमें खर्च बहुत ज़्यादा होता है, जो प्रत्यक्ष रूप से तो एक बार में नहीं दिखाई देता है, लेकिन धीरे 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 जोड़ा जाए तो एक बहुत बड़ी धन राशि बनती है। जैसे आप ही देखिए, एक दिन में कहीं की यात्रा किए, मान लीजिए आप अपने घर से 200 किलोमीटर दूरी गए, तो कम से कम परिवहन में आपका नहीं 1000 रुपये खर्च हो गया, कम से कम 1000 रुपये क्या हुआ दोस्तों, खर्च हुआ। अब अगर आपका एक दिन में 1000 रुपये जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है यार हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आप सोचिए अगर साल भर का पैसा हम उसे इकट्ठा करें तो वह कितनी बड़ी धनराशि होती है कि जो हम इधर उधर आते जाते हैं, कम से कम हम 70 से 80 हज़ार रुपये, एक आम नागरिक की बात करता हूँ, एक आम नागरिक की बात करता हूँ, धीरे धीरे इतने पैसे खर्च कर डालते हैं इधर उधर के में पाते, और शादी विवाह पड़ गया तो पता चला 70 हज़ार तो गाड़ी के करने में ही चला गया। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, निभाता है भारत परिवहन तंत्र में वर्तमान में, जी हाँ दोस्तों, जो है यह मध्यम श्रेणी में शामिल है, मतलब मध्य श्रेणी में है, लेकिन भारत के विभिन्न माध्यम हैं किसके परिवहन के, वह कौन से हैं, जैसे सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, वायु मार्ग है, सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, और वायु मार्ग है। भारतीय परिवहन तंत्र के विस्तार और निष्पादन दोनों ही अत्यधिक गतिशील वृद्धि आई है दोस्तों, और आपको पता होना चाहिए जब से एनडीए सरकार बनी है, ठीक है ना दोस्तों, एनडीए सरकार बनी है, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, डाटा उठाकर देख लीजिएगा, तब से सड़क परिवहन हो या फिर वायु परिवहन हो या फिर जल परिवहन हो, अत्यधिक जोर दिया गया था। जबकि प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी पद को धारण किया, उसके बाद देखे होंगे दोस्तों पूरे देश में गड्ढा मुक्त सड़कें का निर्माण किया, और यह घोषणा की गई थी जहां पर भी सड़कें नहीं हैं वहां तक सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों परिवहन की दृष्टि में रेल परिवहन में भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पद धारण करते ही चाहे तेजस हो,
ठीक है ना दोस्तों, चाहे बुलेट ट्रेन परियोजना हो, ऐसी बहुत सारी क्या है रेलवे लाइन का भी गजब का ध्यान दिया है। फिर इसके बाद उड़ान योजना के तहत आपने देखा हुआ उड़े देश का आम नागरिक जो मतलब लाई गई थी योजना, उसके तहत हर देश का नागरिक जो चप्पल भी पहनता है वह भी क्या कर सके दोस्तों, परिवहन का साधन यूज कर सके, मतलब वायु यात्रा कर सके, इसके लिए जबरदस्त क्या है जी हाँ दोस्तों नीति लाई गई थी। यहां से भी देख लीजिएगा दोस्तों, रेल यातायात तथा नागरिक उड्डयन को छोड़कर ठीक है परिवहन की नीतियों ठीक है और कार्यक्रमों संबंधी पूर्ण जिम्मेदारी किसके पास है, नोट कर लीजिएगा, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय को सौंपी गई है। तो यहाँ से भी बातें आपको नोट करने वाली हैं, यहाँ से भी बातें आपकी क्या है दोस्तों नोट करने वाली हैं, तो इनको भी नोट कर लीजिए। आगे क्या कहता है दोस्तों ध्यान से देखिए, परिवहन के साधन, परिवहन के साधन जैसे तीन हैं आपके नी, स्थल परिवहन ठीक है, जल परिवहन और वायु परिवहन ठीक है। तो स्थल परिवहन में आपका कौन कौन आता है, सड़कें आती हैं, रेलवे आती हैं और पाइपलाइन आती है ठीक है। सड़कें आती है, रेलवे आती है और कौन आता है, पाइपलाइन आती है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, जबकि अंतः स्थलीय और सागरीय व महासागरीय जो आपकी जलधार मतलब जल परिवहन है वह आते हैं। सागरीय परिवहन जैसे अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से ठीक है ना दोस्तों, ऐसे दोस्तों पार्ट से व्यापार होता है। फिर महासागर में आपका हिंद महासागर से बहुत बड़ा विस्तार मतलब पार्ट का होता है। देश का लगभग 90% के आसपास ठीक है, देश का लगभग 90% जो व्यापार होता है वह आपके ही जल परिवहन द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, जल परिवहन द्वारा ही होता है। यहां से बातें समझ में आई। वायु परिवहन क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब यह होता है देश के अंदर ही ठीक है, देश के अंदर ही क्या है दोस्तों, कहने का मतलब यात्रा करना राष्ट्रीय परिवहन कहलाता है, जबकि देश के बाहर किसी दूसरे देश में यात्रा करना अंतरराष्ट्रीय कहलाता है ठीक है ना दोस्तों। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। आगे देखिए दोस्तों, सड़क परिवहन पहला नंबर है, सड़क परिवहन कौन सा, सड़क परिवहन। अब देखिए दोस्तों, सड़क परिवहन में तो आज बहुत बड़ा विकास हुआ है, हर दिन विकास होता रहता है दोस्तों। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, देश के सामाजिक व आर्थिक विकास में सड़क परिवहन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि सड़क परिवहन के कारण ही आपको पता होना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उसका प्रयोग करते हैं। अब जिसके पास धन नहीं है वह वायु यात्रा कैसे कर सकता है, जल यात्रा कैसे कर सकता है, तो यहां से भी बातें समझने वाली बातें हैं ना। तो इस तरह आप यहां से भी बातें समझ सकते हैं कि यह बहुत शानदार बातें हैं, ये बहुत शानदार बातें हैं कि भाई गरीब आम आदमी ठीक है, जिसका 1,000, 2,000, 10,000 इनकम है, अब वो 10,000 की वायु यात्रा थोड़ी करेगा, वह बिल्कुल नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा दोस्त। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, कम व मध्यम दूरी के लिए यातायात का सर्वाधिक सुगम व सस्ता साधन यही है। जैसे अब किसी को 5 किलोमीटर जाना है ठीक है, किसी को 5 किलोमीटर जाना है तो वह अब ट्रेन की यात्रा थोड़ी करेगा दोस्तों, या तो फिर बुलेट ट्रेन चले तो चलो ठीक है। अब बुलेट ट्रेन तो चलती नहीं है हर जगह, आप जानते हैं कि बुलेट ट्रेन हर जगह तो उपलब्ध नहीं है, कुछ महानगरों में ही उपलब्ध है। तो इस तरह आप यहां से भी बातें क्या है समझ सकते हैं ठीक है। तो आगे क्या कहता है दोस्तों, वास्तव में यह सेवा परिवहन के अन्य साधनों का सहायक है, अन्य साधनों का क्या है सहायक है, क्योंकि इसकी विश्वसनीयता ठीक है, इसकी विश्वसनीयता,
शीघ्रता, लचीलापन एवं दरवाजे तक प्रदान की जाने वाली सेवा महत्वपूर्ण है। आज आपने देखा होगा एक ई रिक्शा आया है, ठीक है ना दोस्तों, क्या आया है, ई रिक्शा आया है, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा आया हुआ है, वो भी दोस्तों बैटरी चार्जिंग पर निर्भर है दोस्तों, आप जानते हैं प्रदूषण रहित है। तो कहने का मतलब ये होता है आज ई रिक्शा आप घर घर, मैं जैसे भाई शहर में रहता हूँ तो आप कहीं पर भी उतर लीजिए, ठीक है, कहीं पर भी उतर लीजिए और आप आराम से 5 रुपये 10 रुपये दीजिए और घर तक एकदम आपको छोड़ने के लिए लोग तैयार हैं, ठीक है, दरवाजे तक। आज सुरक्षा का ये बहुत बड़ा साधन ई रिक्शा बढ़ा है और लोगों का गजब का रोजगार भी दिया है। ऐसा नहीं है आज हर आदमी जो बेरोजगार घूम रहे थे, आज वह ई रिक्शा से अच्छी इनकम 500, 800, 1000 रुपए तक की भी इनकम अच्छा खासा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब एक परिवार उनका तो चल रहा है ना, तो बिल्कुल चलेगा दोस्त, यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। वर्तमान में देश की कुल यात्री यात्रा का जो 87.4% जो दोस्तों माल यातायात का आता है और यह 60% आपका सड़क परिवहन राजमार्गों द्वारा ही संपन्न होता है, ठीक है ना दोस्तों, 60% जो आप कहनी राजमार्गों द्वारा दोस्तों क्या होता है, आप कहनी पहुंचाया जाता है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है, तो यहां देख लीजिए कुल यातायात कहानी 87.4%। आइए दोस्तों, भारत में प्रबंधन के आधार पर सड़कों को 3 वर्गों में रखा गया है, कितना, सड़कों को 3 वर्गों में रखा गया है और इसमें से लिखा है राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यों के राजमार्ग और सीमावर्ती सड़कें, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे, ठीक है, राज्यों के राजमार्ग मतलब स्टेट हाईवे और सीमावर्ती सड़कें मतलब, जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर रोड, ठीक है, बॉर्डर रोड ये वाली है, याद रखिएगा, ये बॉर्डर रोड कहलाएगी जो आपकी सीमा पर बनाई गई है, तो इसे बॉर्डर रोड कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बॉर्डर रोड कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, बहुत शानदार दोस्तों, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। इसके अलावा जिला सड़कें वह ग्राम सड़कें भी हैं, इसके अलावा जिला सड़कें वह ग्राम सड़कें हैं जो लघु स्तरीय परिवहन, जी हाँ दोस्तों, का आधार है, लघु स्तरीय परिवहन का क्या है, आधार है। भारत में विभिन्न प्रकार की सड़कों का लंबाई निम्न प्रकार है, ठीक है दोस्तों, देखिए बढ़ता रहता है, नो डाउट, आपको हम बता दें ये 2018 के पूरे डाटे हैं, अभी 2019 का नहीं आया दोस्तों, आ गया है लेकिन अभी सामने नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण मिल पाया है, इसलिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कोरोना के दौरान से सारी चीज़ इधर से उधर हो गई हैं, ठीक है। तो 2018 तक का डाटा आपके पास दिया जा रहा है, 2019-20 ये सारी चीज़ें डाटा कलेक्ट हो करके जब आएगा आपके सामने, तो मैं आपके सामने ही, जी हाँ दोस्तों, नितिन सर के माध्यम से करंट अफेयर्स की जब आपकी क्लास चलेगी तो वहाँ पर ज़रूर इसको कोशिश करूँगा, पूरा मैं लिख करके दे दूँगा, सर अपनी तरह से इसको समझा देंगे या फिर मैं खुद सामने आ करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। सड़कें तो आए दिन बनती रहती हैं, याद रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है आपका, 96,214 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। फिर उसके बाद राजमार्ग, जी हाँ दोस्तों, 1,42,687 किलोमीटर लंबी है और जिला एवं ग्रामीण सड़कें जो है आपका, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 46,49,462 किलोमीटर लंबी है। तो ये प्रश्न बहुत मुश्किल है आने का, लेकिन एक प्रश्न बन सकता है कि इनमें से सबसे बड़ी जो सड़क की लंबाई है वो किसकी है, तो जिला एवं ग्रामीण सड़कों की है सबसे ज़्यादा, आपको पता होना चाहिए, यहाँ से देखिए। लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल नहीं भूल सकते हो, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखिए क्या है, लिखा है इंडियन हाईवे, जी हाँ दोस्तों, मिलिस्टन कॉलर कोड्स, ठीक है, आप कहनी जो मतलब
पहचानने का है कि कौन राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन राज्य मार्ग है, कौन दोस्तों आपका जिला मार्ग है, ये सारी चीज़ें बताता है। तो कहते हैं कि जब कोई भी सड़क पर आप जाते रहिए और ये पीला पीला आपका वाइट पत्थर पर पीला पीला ऐसा बना रहे तो इसको बोलते हैं नेशनल हाईवे। इसको क्या बोलते हैं कि आप कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे पर हैं। क्या है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप नेशनल हाईवे हैं, और जो भी नेशनल हाईवे हो आपका वो लिखा रहता है आजकल। फिर अगर आप ग्रीन में चल रहे हैं, ग्रीन प्लस वाइट है, अगर ग्रीन और वाइट है तो आपको पता चलना चाहिए कि ऊपर अगर ग्रीन है तो हम स्टेट हाईवे में चल रहे हैं। ठीक है, हम कहाँ चल रहे हैं, स्टेट हाईवे पर चल रहे हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। जी हाँ, अब अगर हम याद रखना क्या है दोस्तों, वाइट ब्लैक वाइट में चल रहे हैं, तो ब्लैक वाइट का मतलब ये हुआ कि अगर दोस्तों इसका पार्ट ऊपर वाला ब्लैक है तो हम सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड पर, मतलब शहरी या फिर जिला रोड पर हैं, और साथ ही साथ अगर ऑरेंज वाइट है तो हम रूरल रोड्स पर हैं, मतलब जो एक तरह से कस्बा वाले एरिया होते हैं, ग्रामीण वाले एरिया होते हैं, उन ग्रामीण वाले एरिया में हैं। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, ये बहुत शानदार बातें हैं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार है। आगे क्या लिखा है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण प्रबंधन एवं रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। ठीक है, कहने का मतलब जो राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं वह केंद्र स्तर का विषय है। क्या केंद्र स्तर का विषय है, तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। किसका है, केंद्र स्तर का विषय है तो आप समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यह कार्य परिवहन मंत्रालय, राज्यों के लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है ना दोस्तों, और सीमा सड़क संगठन के माध्यम से करता है। ठीक है ना दोस्तों, कराता है या करता है, तो यहाँ से भी, तो यह कार्य का परिवहन मंत्रालय, ठीक है, लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से कराता है या मिलकर करता है। इसका नियंत्रण परिवहन मंत्रालय के अधीन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CPWD, कहने का मतलब सेंट्रल पब्लिक, जी हाँ दोस्तों, वर्क डेवलपमेंट इसमें होता है, तो याद रखिएगा, द्वारा किया जाता है। देश में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो थी उस समय 235 है। क्या थी दोस्तों, 235 थी, याद रखिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के अंतर्गत कुल 96,214 किलोमीटर लंबी सड़कें शामिल हैं, जो कि कुल सड़कों की लंबाई का 2% है, जो कि कुल सड़क की लंबाई का कुल 2% है। यह देश के संपूर्ण परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न कराती है। इनकी कुल लंबाई एकल लेन के लिए 24, दोहरी लेन के लिए 54 और 4-6-8 लेन के लिए 24% का हिस्सा है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई भारत के अंदर अभी तक 8 लेन तक की भी सड़कें बनाई जा चुकी हैं। कितनी, 8 लेन की भी सड़कें बनाई जा चुकी हैं। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, आप यहाँ से भी बातें क्या है समझ सकते हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण बातों में से एक है। आगे क्या कहता है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्गों के सर्वाधिक लंबाई वाले जो है राज्य, उसमें तो उत्तर प्रदेश नो डाउट पहले स्थान पर है ही, फिर उसके बाद राजस्थान में है, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, और फिर कर्नाटक में है। उत्तर प्रदेश में 7,863, राजस्थान में 7,806, ठीक है, आंध्र प्रदेश में 7,068.15 किलोमीटर, महाराष्ट्र में 6,335.44 किलोमीटर, कर्नाटक में 6,294.29 किलोमीटर है। ठीक है ना दोस्तों, आगे क्या कहता है, देश में कुल 75 मतलब 14
प्रस्तावित भी हैं, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, और जिसमें से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है दोस्तों वह NH7 है, हाईवे नंबर आपका 7 है, ठीक है, जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, और यह डाटा के अनुसार अभी तक सबसे बड़ा है, और दोस्तों एक बनाया जा रहा है, अभी उसका डाटा नहीं आया है तो उस पर बातें नहीं की जा रही हैं। आगे देखिए दोस्तों, आपका लिखा है यहाँ पर कुछ नेशनल हाईवे जो कहाँ से कहाँ के बीच में हैं, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार नंबर लगाकर दिया है, अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवे 1A यह राजमार्ग, ठीक है, जलंधर से उरी को जोड़ता है, ठीक है, श्रीनगर के लेह को कारगिल से जोड़ता है, जो जोजीला दर्रा से गुजरता है, इसी मार्ग से बनिहाल दर्रे की जवाहर सुरंग भी गुजरती है, तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। आगे है नेशनल हाईवे संख्या 1, दिल्ली से पाकिस्तान 1226 किलोमीटर, कितना 1226 किलोमीटर है, याद रखना। नेशनल हाईवे नंबर 2, दिल्ली से कोलकाता, ठीक है, नेशनल हाईवे संख्या 2, दिल्ली से कोलकाता, लिखता चल रहा हूँ, कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता है, जिसकी लंबाई 1490 किलोमीटर है। आगे है नेशनल हाईवे संख्या 3, आगरा को मुंबई से जोड़ता है, आगरा को किससे जोड़ता है, मुंबई से जोड़ता है नेशनल हाईवे 3, ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 3 आपका यहाँ से है। नेशनल हाईवे संख्या 4, ठाणे को चेन्नई से जोड़ता है, ठाणे को चेन्नई से जोड़ता है, तो आपका नेशनल हाईवे संख्या क्या है, 4 है, और यह आपका नहीं, जी हाँ दोस्तों, ठाणे से चेन्नई। नेशनल हाईवे संख्या 5, कोलकाता को चेन्नई से जोड़ता है, कोलकाता को क्या है, चेन्नई से जोड़ता है, तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, नेशनल हाईवे संख्या ये कौन सी है, 5 है, ठीक है। नेशनल हाईवे संख्या 6, कोलकाता को मुंबई से जोड़ता है, कोलकाता को कहाँ जोड़ता है, मुंबई से जोड़ता है, नेशनल हाईवे नंबर 6। नेशनल हाईवे नंबर 7, वाराणसी से कन्याकुमारी, ठीक है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक को जोड़ता है, याद रखिएगा, और यह है नेशनल हाईवे नंबर 7। नेशनल हाईवे नंबर 8, यह दिल्ली, जयपुर और मुंबई को जोड़ता है, ठीक है, यह दिल्ली, ठीक है, जयपुर और मुंबई को जोड़ता है, तो यहाँ से भी इसकी कुल लंबाई 2058 किलोमीटर है, जबकि नेशनल हाईवे आपके 7 की कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसको अच्छे से देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए, नहीं फिर हमें मत कहिएगा सर आपने समझाया नहीं। मैं अपना पूरा कोशिश कर दिया हूँ समझाने का प्रयास, यहाँ से जल्दी प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन नहीं कहा जाता है खुदा ना खास्ता कभी घुमा करके प्रश्न पूछ ही ले, तो इसीलिए आपको यहाँ पर यह बताया जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है और शानदार भी है। चलिए, आप सभी लोगों ने इसका लाजवाब ध्यान दिया होगा, तो चलिए आइए दोस्तों आगे देखते हैं, ठीक है। तो हर एक बातों को हमने समझा है और जाना है, आगे देखते हैं। लिखा है नेशनल हाईवे संख्या 5, स्टार लगाकर रखा है, क्या है भाई, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो वाराणसी से कन्याकुमारी से जोड़ता है, ठीक है, यह 7 राज्य, नेशनल हाईवे नंबर 7 है ना, तो याद रखना यह आपके 7 राज्यों से जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से, ठीक है,
हो करके गुजरता है, तो यहाँ से भी बातें समझ सकते हैं। आगे है नेशनल हाईवे संख्या 47। क्या नेशनल हाईवे संख्या 47 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है? तो आपका 47 है। और दोस्तों आपको यहाँ से बता दें, इसकी मात्र जो लंबाई है ना वह 6 किलोमीटर की है। इसकी जो लंबाई है वह मात्र 6 किलोमीटर की है। और यह विलिंगटन द्वीप से केरल से कोचीन तक है दोस्तों। कहाँ? केरल के कोचीन तक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा, जी हाँ, राजमार्ग तथा पूर्व पश्चिमी गलियारा। फिर लिखा है राजमार्ग एक दूसरे को झांसी पर काटते हैं, ठीक है। इसको पीछे चलना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा दोस्तों। कह रहा है कि जो उत्तर से गलियारा है दक्षिण का, और दक्षिण से जो है आप कहानी याद रखिएगा, कह रहा है उत्तर से दक्षिण और आपका पूर्व से पश्चिम जो गलियारा है वह उत्तर प्रदेश के झांसी में काटता है। ये प्रश्न आ चुका है इसलिए इसको याद रखिएगा। झांसी आपके मध्य प्रदेश बॉर्डर पर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश आप अच्छी तरीके से जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई जहां से नेतृत्व की थी, याद रखिएगा 1857 की क्रांति में, तो वहां से भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं, ठीक है। कहाँ काटते हैं? झांसी में काटते हैं। तो मैंने बता भी दिया और बना करके भी दिखा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय, ठीक है, केंद्रीय परिवहन मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और प्रबंधन 3 एजेंसियों के माध्यम से करता है, ठीक है। 3 एजेंसियों के माध्यम से करता है। एक है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। दूसरा कहते हैं दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आपका सीमा सड़क संगठन है। और तीसरा है आपका PWD, राज्य लोक निर्माण विभाग है। तो इस तरह दोस्तों यहाँ से है, आप यहाँ तीनों का नाम भी लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है, दूसरा है राज्य लोक निर्माण विभाग, और तीसरा है आपका सीमा सड़क संगठन है, तो BRO भी है। तो इस तरह आप यहाँ से भी बातें समझ सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण है ना, यह कितना महत्वपूर्ण है। तो हर एक बातों को समझते हुए हमें चलना चाहिए, ठीक है। हर एक बातों को क्या है, हमको समझते हुए चलना चाहिए, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, देश के आर्थिक विकास को, ठीक है, बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक बृहद राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP प्रारंभ की गई है। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना निम्न प्रकार हैं, ठीक है, निम्न प्रकार हैं, इनको भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तभी क्या किए थे दोस्तों, आपको यह परियोजना लाए थे, याद रखने वाली बातें हैं, तो यहाँ से समझिए। यह देश के चार महानगरों, कहने का मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ने वाली 4 लेन वाले द्रुत मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इस सड़क मार्ग की लंबाई जो है वह 5,846 किलोमीटर है। कितना? 5,846 किलोमीटर है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। संदीप बेटा आराम से करो, आवाज़ आएगी इसमें। तो इस तरह, तो यहाँ से समझने वाली बात
बातें हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए दोस्तों, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली हमारा यहाँ पर है, ठीक है, चेन्नई हमारा यहाँ पर है, मुंबई हमारा यहाँ पर है और कोलकाता हमारा यहाँ पर है। तो कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, मतलब यह जुड़ी हुई है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इसे बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ठीक है। दिल्ली से मुंबई की कुल लंबाई जो है वह कितना है, 1419 किलोमीटर है, ठीक है। फिर लिखा है मुंबई से चेन्नई, चेन्नई मुंबई से चेन्नई कितना है, तो 1290 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी क्या लिखा है, मुंबई से चेन्नई तो 1290 किलोमीटर। फिर क्या है दोस्तों, चेन्नई से कोलकाता है 1686 किलोमीटर, ठीक है, 1686 किलोमीटर। कोलकाता से दिल्ली कितना है, तो 1453 किलोमीटर है, कितना है, 1453 किलोमीटर। अगर इसमें पूछ ले क्या कभी जिंदगी में ऐसे भी प्रश्न बन सकता है क्या, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल बन सकता है। कैसा प्रश्न भाई, प्रश्न ऐसे बन जाए क्या कि दोस्तों जो आप कहने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है उनमें से सबसे छोटा लंबाई की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है चार में से, तो आपको सबसे छोटा है दिल्ली से मुंबई, क्या नहीं है, कहाँ से भैया, मुंबई से चेन्नई, ठीक है, मुंबई से चेन्नई सबसे छोटा है, मात्र 1290 किलोमीटर, जबकि सबसे बड़ा जो है वह क्या है दोस्तों, चेन्नई से कोलकाता, चेन्नई से क्या, कोलकाता सबसे बड़ा है, जिसकी कुल लंबाई 1686 किलोमीटर है, कितना, 1686 किलोमीटर है। तो इस तरह दोस्तों आप देखे होंगे, पहले हमारे यहाँ इतनी सड़कों का विकास नहीं था, दूसरी बात पहले हम लोग इतना तकनीकों का भी प्रयोग नहीं कर पाते थे, तीसरी बात दोस्तों जस-जस धन आता गया, जनसंख्या ध्यान को ध्यान में रखते हुए संसाधन बढ़ाए गए। दोस्तों मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब मैं अपने गांव से एक बार लाइफ में, जब मैं 6 साल का, शायद 6 से 7 साल का था, तो मुझे याद है, याद रखिएगा दोस्तों, मुझे याद है मैं अपने गांव से प्रयागराज आया था, ठीक है। उस समय मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, ठीक है, मैं कहते हैं लोग मुझे याद भी है थोड़ा थोड़ा सा, जब मैं जा रहा था तब मुझे याद है, मतलब ठीक हो करके, और वापस हो करके जब आपको पता होने की बात है, जब जा रहा था मतलब ठीक हो गया हूँ तब याद है, आते समय का मुझे नहीं याद है, क्योंकि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा, लाइफ में मेरी तबीयत वही ख़राब भी हुई है, फिर आज तक ख़राब भी नहीं हुई है, ये बात तो ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, मैं जब 6 से 7 साल का था तो मैं कौशाम्बी से, देखिए बेटा इसे हल्के में मत लीजिए, मेरा जो गांव है वह कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट में है, मैं कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट जो कि प्रयागराज का ही है, तो भले उस समय अलग नहीं हुआ था, हो गया था, अलग हो गया था उस समय, क्योंकि हाँ आराम से हो गया था, ये 2002 की आसपास की बात है। तो कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, जब मैं उस समय वहाँ से आ रहा, मतलब जा रहा था, तो मैंने देखा, क्या देखा कि दोस्तों हमारे गांव तक, इलाहाबाद से गांव तक की सड़क जो थी वह सिर्फ और सिर्फ कच्ची नज़र आ रही थी दोस्तों, और अगर कहीं कहीं पर भी मान लीजिए दोस्तों पक्की बनी भी थी तो दोस्तों सिर्फ एक लेन था बस हो गया, मतलब उसी एक लेन से, कहने का मतलब एक तरफ से लोग आ रहे हैं एक तरफ से जा रहे हैं, मतलब सड़क की मतलब जो चौड़ाई है वह ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 फीट के आसपास ही थी, कितना, 10 से 12 फीट के आसपास थी मुझे याद था, और इतना दिक्कत होती थी, इतने एक्सीडेंट होते थे, लेकिन आज मैं जब जाता हूँ देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया है, आज जब मैं जाता हूँ तो देखता हूँ काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया, अच्छी खासी सड़कें बन गई हैं, और घर तक आज
आज आपका क्या है दोस्तों, सड़कें बन चुकी हैं घर तक। और पहले घर तक जाने के लिए मुझे याद है कि लोग क्या होता था दोस्तों, पानी भर जाता था, सड़क एकदम डूब जाती थी, कच्ची सड़क थी, सिर्फ ईंटा बिछे हुए थे, बस हो गया। ईंटे बिछी सड़क को कच्ची ही कहते हैं, सिर्फ ईंटा बिछे हुए थे दोस्त, और जब उसमें से पानी भर जाता था, काली मिट्टी का क्षेत्र है, तो पूरा आदमी चलने के लिए मुश्किल हो जाता था। पता है आपको, हम लोग स्कूल जब जाते थे, मुझे याद है, तो वहाँ पर बस्ता सर पर रख करके जाते थे और कम से कम 1.5 किलोमीटर तक ऐसे चले जाते थे, सिर्फ कीचड़ कीचड़ ही रहता था, मतलब मिट्टी एकदम गीली गीली रहती थी, उसमें चलना भी मुश्किल, बल्कि कई बार तो गिर भी जाते थे। तो ये चीज़ें आप भी देखे होंगे, यही चीज़ों को सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज कितना डेवलप हुआ है, ठीक है, कितना डेवलप हुआ है। नो डाउट ये बहुत शानदार बातें थी। आइए दूसरा है, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर, मतलब ये है उत्तर से दक्षिण, ठीक है, और ये है पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर, ठीक है। लिखा है उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। तो श्रीनगर तो ऊपर हो गया भाई, ठीक है, और कन्याकुमारी आपकी नीचे हो गई, कन्याकुमारी आपकी क्या हो गई, नीचे हो गई। फिर क्या कह रहा है, को जोड़ने वाले जो है सड़क की लंबाई जो है आपके नहीं कितना है, 142 किलोमीटर लंबी सड़क मार्ग है, जबकि पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर असम के सिल्वर से, ठीक है, असम के सिल्वर से गुजरात के पोरबंदर, बाप रे, ठीक है, असम का सिल्वर है, सिल्वर से लेकर के पोरबंदर, जहां मतलब गांधी जी का जन्म हुआ था, पोरबंदर को जोड़ने वाला राजमार्ग है, किसको, पोरबंदर को जोड़ने वाला राजमार्ग है। तो यहां से भी बातें आप समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत शानदार बातें हैं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, कहने का मतलब श्रीनगर आपका यहां पर है, ठीक है, ये है श्रीनगर, और श्रीनगर से ऐसे सड़क जा रही है, ठीक है, और आप कहानी यहाँ पोरबंदर है गुजरात में, और यहाँ से ऐसे सड़क जा रही है, यहाँ से आपका ऐसे सड़क जा रही है। तो आप समझ सकते हो कि यह कितनी ही बड़ी बात है, और ये कहाँ काटती है, तो झांसी में काटती है। कहाँ पर काटती है, तो झांसी में काटती है। तो जितने भी मैपिंग से हो सके, जितना भी मैपिंग से हो सके हमें करना चाहिए, और बहुत शानदार तरीके से नहीं, जी हाँ, हम चाहते हैं कि आपका रिजल्ट आए, और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ से भी देख सकते हैं आगे क्या लिखा है दोस्तों, भारत के 13 बड़े बंदरगाहों को जोड़ने की परियोजना, भारत के 13 बंदरगाहों को जोड़ने की परियोजना। कहने का मतलब ये है कि जो भारत के अंदर आप कहनी बंदरगाह हैं, गुजरात में हैं, ठीक है दोस्तों, आपने कांडला बंदरगाह का नाम सुना होगा, फिर मुंबई का नानवा सेन वाला बंदरगाह सुना होगा, फिर गोवा में है, केरल में है कोच्चि वाला, तमिलनाडु में है, विशाखापत्तनम है, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश है, फिर आपका उड़ीसा है, फिर पश्चिम बंगाल है। तो मतलब ये जो मतलब समस्त 9 राज्यों में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, उन 13 बंदरगाहों को जोड़ने की जबरदस्त परियोजना चल रही है, और दोस्तों यह सफल भी है। और दूसरी बात आपको बता दें, इसी के लिए भारत के अंदर सागरमाला प्रोजेक्ट की भी शुरुआत हुई है, आप जानते होंगे, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत जोर दिया है। कारण क्या है, अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, कारण क्या है बहुत बताता हूँ। लिखा है दोस्तों, इसके तहत पारादीप को, हल्दिया को, ठीक है, विशाखापत्तनम को, चेन्नई, एन्नोर, तूतीकोरियन, कोचे, न्यू मंगलोर, मार्गाहगाव, जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट जिसे नानुआ सेवा कहा जाता है, कांडला बंदरगाह को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
380 किलोमीटर लंबे व 4 लेन के संपर्क मार्ग से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं ना, यहाँ से भी बातें आप क्या है समझ सकते हैं। आगे क्या लिखा है दोस्तों, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम, ठीक है, पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है हमारा उसके लिए क्या है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भैया सड़क विकास कार्यक्रम चलाया गया है और इसके अंतर्गत सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के सभी जिला मुख्यालय को 58 शहरों की राज्य की राजधानियों से और 2 या 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ा जाएगा, ठीक है, सभी जिला के मुख्यालयों को, ठीक है, आपस में राजधानी से जोड़ा जाएगा, ये जान लीजिए। आगे क्या कह रहा है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, निवेश व व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु विकसित का की जा रही है। अच्छा देखिए, इससे क्या होता है ना, जब कोई सड़क बनती है तो बहुत सारा रोजगार मिलता है। देखे होंगे दोस्तों, हजारों लोग इसमें काम करते हैं। पहली बात तो मजदूर भाई काम करते हैं और इसमें वही भाई मजदूर काम करते हैं जो काफ़ी दोस्तों याद रखिएगा गरीब बेचारे हैं, जिनके पास मतलब याद रखना दोस्तों वह उसी काम को करते ही हैं, विशेषकर भले अच्छा पैसा पाते हैं लेकिन अच्छा काम करते हैं। और दूसरी बात, बहुत सारी टर्कें लगती हैं, गिट्टी आते हैं दोस्तों, कितना रोजगार बढ़ जाता है। फिर दोस्तों प्राइवेट इसको लेता है, वह भी विकास करवाता है, फिर जब पैसा उसीलने की बात आती है दोस्तों, जिसे टोल टैक्स बोलते हैं, आप लोग जाते हो तो देखे होंगे कि आजकल सरकार क्या होता है, लीज पर दे देती है, मतलब सड़क का ठीका दे दिया कि कितने का हुआ भाई, 5 करोड़ का हुआ, 5 करोड़ आप दे दीजिए, सड़क का निर्माण करवा दीजिए, ठीक है, सड़क का निर्माण प्राइवेट वालों ने किया मिल करके, और फिर उसके बाद क्या है, सरकार पैसा पास करके दे देती है और आप धीरे 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 पैसा उसील उसील करके नहीं, जी हाँ दोस्तों, भरते रहिए, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। और जब आपका पैसा पूरा हो जाएगा, मतलब दोस्तों एक डेट होती है कि इतने दिनों तक के लिए टेंडर होता है, उतने दिन के लिए आपको मिलेगा, फिर उसके बाद आप उतना उसीलने के बाद छोड़ सकते हैं। एक फिक्स रेट भी होता है, ये नहीं कि आपको दे दिया गया तो ज़बरदस्ती उसील रहे, ऐसा कुछ नहीं होता है, फिक्स रेट होता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना भारत की सबसे बड़ी, ठीक है ना दोस्तों, अवसंरचनात्मक, ठीक है, परियोजनाओं में से एक है, आओ संरचनात्मक परियोजनाओं में से एक है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। इस परियोजना को, ठीक है, भारत व जापान के संयुक्त प्रयासों से जोड़ा जा रहा है। इसकी कुल लंबाई जो है वह 1483 किलोमीटर होगी। यह औद्योगिक गलियारा उत्तर प्रदेश के दादरी से प्रारंभ होकर मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर समाप्त होगा। क्या गजब की बात है, उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होगा और मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नानवा सेवा वाला कहा जाता है दोस्तों, वहां पर ख़त्म होगा। यह गलियारा देश के छः राज्यों से होकर के गुजरेगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए दिल्ली एवं मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन DMICDC का गठन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं कि यह कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं ना। आगे देखिए दोस्तों,
भारतमाला परियोजना सड़क, ठीक है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा सागरमाला शिपिंग प्रोजेक्ट के मॉडल पर आधारित भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के क्षेत्रों को सड़क क्षेत्र जोड़ने के लिए भारतमाला परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। ठीक है, भारतमाला परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। इसके लिए हमें आपको कुछ दिखाना पड़ेगा दोस्तों, और इसके लिए हम आपको मैप दिखाएंगे। ठीक है, जैसे भारत के जो पड़ोसी है, जी हाँ दोस्तों, राज्य हैं, किसी देश से लगती हुई जिनकी सीमा है उसको जोड़ने की बात की जा रही है। जैसे आपको पता होना चाहिए गुजरात से कहानी स्टार्ट होगी और यहाँ आकर के पश्चिम बंगाल में समाप्त होगी। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9, फिर 10, फिर 11, मतलब ये वाला 11 12 13 14 15 16 17 और 18, कुल 18 मतलब 17 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश पड़ते हैं इसमें। ठीक है, 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इन सब को क्या किया जाएगा दोस्तों, आपस में जोड़ा जाएगा। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए दोस्तों, पहली बात तो हम इन देशों को संभाल सकते हैं। रुको, ठीक है, कभी युद्ध युद्ध के लिए ललकारोगे तो हम हैं तुम्हारे। अगर देखा जाए तो मेन उद्देश्य तो यही था, लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा। सरकार ने क्या कहा दोस्तों, सरकार ने कहा कि जो हमारी वस्तुएं हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में सेब बहुत होती है, जम्मू कश्मीर में क्या है, सेब बहुत होती है, और सेब क्या होता है दोस्तों, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक निर्यात की जाती है, ठीक है, पूरा बाहर जाती है। टमाटर बहुत होता है, ठीक है, कुछ क्षेत्रों में टमाटर बहुत होता है, उत्तर प्रदेश में आलू बहुत होता है, ठीक है। तो इस तरह जो आपकी चीजें हैं, जो एक खाद्य वस्तुएं हैं, अगर अच्छी सड़कें नहीं होंगी, मान लीजिए जम्मू कश्मीर से कोई हमारी खाद्य वस्तु चली और दोस्तों क्या है, हमको गुजरात लानी है, गुजरात से बंदरगाह पहुंचेगी, बंदरगाह से फिर क्या होगा, जो माल है वो दूसरे देश में जाएगा। अब पता चला कि ये गुजरात मतलब जम्मू कश्मीर से आ रही दिल्ली होकर के, दिल्ली में जाम लग गया बहुत बड़ा, ठीक है, अब 2 दिन ट्रक खड़ी रह गई, ठीक है, 2 दिन तक खड़ी रह गई तो हो गया, सब सेब तो बढ़िया अच्छा हो जाएगा ना, वाइट का काली पड़ जाएगी पूरा, कहने का मतलब ख़राब हो जाएगी, तो फिर इसका बहुत बड़ा क्या है, नुकसान होगा। क्योंकि भारत की आज अर्थव्यवस्था कहीं कमज़ोर है और भारत के यानी जो कृषि आज पीछे है, तो हम लोग क्या है ना, खाद्य वस्तुओं का निर्माण ज़्यादा करते हैं, मतलब पूंजी वस्तुओं का निर्माण बहुत कम करते हैं। पूंजी वस्तु का मतलब जैसे लैपटॉप हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब पूंजीगत वस्तुएं हैं यार, एक बार लगा दीजिए, मतलब ख़राब होने की जल्दी ज़रूरत नहीं, बिकेगा तो बिकेगा, नहीं रखा है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर टमाटर खरीद लिए, सेब खरीद लिए और 4 दिन हड़ताल हो गई, तब तो गया ना, 4 दिन हड़ताल हो गई तब तो समझो गया। तो इसलिए दोस्तों यहाँ से समस्याएं होती हैं, यहाँ से क्या होती हैं, समस्याएं होती हैं। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं कि भारत को पूंजीगत वस्तुओं पर अब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, भले खाद्य वस्तुओं का वह क्या करता है दोस्तों, अर्थात उत्पादन करता है। क्यों ऐसा? क्योंकि आप पता है, एक फ़ोन आपने आईफोन लिया, वह है 70 या 80 हज़ार का, तो कहने का मतलब एक ट्रक तो भैया 1-2 लाख की जाएगी भैया, सेब तो हो गया, गया ना, मतलब एक फोन के बराबर आपका एक ट्रक का माल है, तो आप सोचिए कितना। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ से भी बातें आपको समझनी चाहिए, ठीक है, यहाँ से भी बातें क्या है आपको समझनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण मामला था। आगे आइए दोस्तों, आगे लिखा है हरित राजमार्ग नीति, हरित राजमार्ग नीति 2015 सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं जहाज रानी मंत्रालय ने 29 सितंबर 2015 को हरित राजमार्ग नीति 2015 का शुभारंभ किया है। 2015 का क्या किया है, शुभारंभ किया है। पौधारोपण, ठीक है, पौधारोपण यहाँ पर एक पौधारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यकरण एवं रख रखाव इस नीति के उद्देश्य हैं। जब सरकार क्या हुआ, सड़कों का चौड़ीकरण कर रही थी, तो सड़कों के बाजू बाजू जो एक लेन में लगे थे वृक्ष, उनका कटाव कर रही थी। तो देश के अंदर बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध भी किया था, ये याद रखिएगा। तब सरकार फिर सड़कों के लिए, आपने देखा होगा आजू बाजू क्या है, सौंदर्यकरण भी करती है, मतलब व्हाइट पट्टी लगाना या फिर बाजू में ईंटा मतलब ईंट बिछाना या फिर दोस्तों चलने का ट्रैक बनाना या फिर आप कहीं बीच में एक फूल या पेड़ पौधे लगाना या आजू बाजू वृक्ष लगाना, ये सब चीजें कर रही है दोस्तों। और यह किसके कारण कर रही है, हरित राजमार्ग नीति के तहत कर रही है, ताकि दोस्तों जो अर्थात सड़कों पर क्या है यातायात चलते हैं, उनसे जो प्रदूषण फैलता है उस पर कंट्रोल किया जा सके, उस पर क्या है कंट्रोल किया जा सके, इसलिए है। राजमार्ग में गलियारों का समुदायों, किसानों, निजी क्षेत्रों, सरकारी संगठनों और सरकारी संस्थाओं की प्रतिभागिता के माध्यम से हरियाली को प्रोत्साहित शामिल है, ठीक है। आगे है राज्यों के राजमार्ग, ठीक है, स्टेट हाईवे, राज्यों की सड़कों का निर्माण, रख रखाव आदि राज्य सरकार व संघ शासित प्रदेश द्वारा होता है, ठीक है, संघ शासित प्रदेश द्वारा होता है। राज्य राजमार्ग सभी जिला मुख्यालय को प्रदेश विशेष की राजधानी से जोड़ती है, प्रदेश विशेष की राजधानी से क्या है जोड़ती है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। सीमा सड़क, ठीक है, सीमा सड़क कितनी है दोस्तों, तो सीमा सड़क आपकी जो है स्थापना जो हुआ है वह 7 मई 1960 को हुआ है। इसके संस्थापक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। इसके संचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका कार्य सीमावर्ती जो देश हैं वहाँ पर सड़क व हवाई पट्टियों का निर्माण करना है। उपलब्धि क्या है दोस्तों, प्रोजेक्ट हारक, ये क्या होता है, महाराष्ट्रीय के नक्सलीय प्रभावित, जी हाँ, गढ़चिरौली व भंडार में सड़क निर्माण करना, ठीक है। फिर लिखा है प्रोजेक्ट दंतक, भूटान से, ठीक है ना दोस्तों, भूटान से सड़क निर्माण असम में भी, ठीक है। प्रोजेक्ट बीकल, आपका मदखा में जो सैनिक छावनी है तो सड़क निर्माण करना। रोहतांग दर्रे में टनल का निर्माण का कार्य इसी के द्वारा संपादित किया गया है दोस्तों। आज का लास्ट है वह है ग्रैंड ट्रैक रोड, जिसे आप जीटी रोड बोलते हो, ठीक है, क्या बोलते हो, जीटी रोड बोलते हैं, उसी पर चर्चा हो रही है। शेर शाह सूरी ने अपने साम्राज्य के सिंधु घाटी, ठीक है, पाकिस्तान से लेकर बंगाल की सोनार घाटी तक सुदृढ़ एवं संगठित रखने के लिए शाही राजमार्ग का निर्माण कराया था, ठीक है, ये बातें आप समझ में आ गई होंगी, बहुत शानदार है। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह निर्माण पूरा हुआ। लॉर्ड डलहौजी वही 1853, आपने देखा होगा 52, 53, 54, जी हाँ दोस्तों। आगे पेशवर, ठीक है, पेशवर से कोलकाता तक जोड़ने वाली इस मार्ग को ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रैंड ट्रैक रोड मतलब GTR, ठीक है, के नाम से नामित किया गया। वर्तमान में यह अमृतसर से कोलकाता के बीच विस्तृत है, ठीक है, जाहिर सी बात है हम भारत पढ़ रहे हैं तो भारत के बारे में ही ना बात करेंगे, दूसरे देश के बारे में तो बात करेंगे नहीं भाई, तो इस तरह आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। इसके दो खंडों में, इसे दो खंडों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दिल्ली से अमृतसर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कोलकाता तक, ठीक है, दिल्ली से कोलकाता तक। तो यहाँ से भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी दोस्तों। ये था पार्ट 1, आपका पार्ट 2 भी आएगा, तो इसलिए आज हमको यहीं पर दे दीजिए इजाज़त दोस्तों। इसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा,
अभी सेकेंड पार्ट आपका आना बाकी है, वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं वह सब हमने आपको बताया। अभी हाल ही में जब हमारे देश के दोस्तों कौन, नितिन गडकरी जी, जी हाँ, सड़क परिवहन एवं उड्डयन मंत्री, देखे होंगे कितना ज़बरदस्त उनके दौरान कार्य किया गया, पूरे भारत में सराहनीय कार्य किया है, और आज जो जाम की समस्या है दोस्तों वह समाप्त हो गई। भले लोगों को कुछ दिक्कतें आई, जो लोग घर बनवा करके आगे बढ़ा बढ़ा कर बनवाए थे उनको तोड़ दिए गए, लेकिन आज हम सब के लिए और उनके लिए भी बहुत लाभदायक है। जी हाँ दोस्तों, जिस देश का जितना अच्छा सड़क परिवहन रहेगा या फिर कोई भी परिवहन रहेगा वह उतना मजबूत रहता है। तो दोस्तों यह था पूरा आज का सिला, आज यहीं पर दीजिए दोस्तों विदाई, फिर मिलेंगे जी हाँ आपके एक आयाम के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जय हिंद।